श्री विद्याय नमः। आज बात करते हैं 29 जुलाई 2023 दिन शनिवार के दैनिक राशिफल के बारे में। मेष से लेकर मीन तक सभी राशियों के लिए 29 जुलाई 2023 का दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन कौन सा दिव्य प्रयोग आप सभी को करना है, सभी क्षेत्रों के लिए आज का दिन कैसा है और क्या कुछ आज के दैनिक राशिफल में परिवर्तन होने वाला है, तो सबसे पहले दैनिक पंचांग के बारे में जानेंगे। उस समय पता लगता है आज के दिन हमें कौन सा कार्य करना है, किस कार्य से बचना है, दिव्य महाप्रयोग और उसके उपरांत दैनिक राशिफल। मित्रों, मैं वैदिक ज्योतिष आचार्य पंडित शिवम शर्मा आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। साथ में जो भी जातक अपने जन्म पत्रिका का परामर्श चाहते हैं वे नीचे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। 29 जुलाई 2023 दिन शनिवार, श्रावण मास की पवित्र वेला चल रही है, शुक्ल पक्ष प्रारंभ है और शुक्ल पक्ष में एकादशी की तिथि। मित्रों, आज सूर्योदय प्रातः 5:49 से होगा, सूर्यास्त शाम को 7:17 पर। शुक्ल पक्ष एकादशी, इसके बारे में जानते हैं। ये जो तिथि है जिसे एकादशी में अधिकतर हमारे घर की माता और बहनें बहुत पूजा पाठ में लगी रहती हैं, व्रत पूजन निर्माण तीर्थ यात्रा उत्सव और प्रण अवलोकन किसी चीज़ के अवलोकन के लिए आज का जो ये तिथि है इसको उत्तम माना जाता है। ज्येष्ठा नक्षत्र है आज के दिन, इसके स्वामी बुध महाराज होते हैं ज्येष्ठा नक्षत्र के। इस नक्षत्र में बताते हैं कि युद्ध में सफलता के लिए, कोई नई रणनीति बनाने के लिए, आध्यात्मिक वंदन करने के लिए, झगड़ा और तर्क या वितर्क करने के लिए इस नक्षत्र को उपयुक्त माना जाता है। ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है मित्रों के, जिन चीज़ों को हम अच्छा नहीं मानते, लड़ाई झगड़ा कर कुतर्क या तर्क करना, ज्योतिष शास्त्र में इनके लिए भी एक उपयुक्त समय बताया गया है, बल्कि हर एक कार्य के लिए उपयुक्त समय है। तो आज का जो नक्षत्र है वह इसी काम के लिए है, किंतु शुभ कार्य को करने के लिए इस नक्षत्र को उपयुक्त नहीं माना जाता। काल की बात करें तो राहु काल आज का दिन है। राहु काल आज जो है प्रातः 9:11 से और 10:52 तक रहने वाला है। ब्रह्मा नामक योग है और इस योग में विश्वसनीय, गोपनीयता, महत्वाकांक्षा और उत्तम विवेक आदि के बारे में निर्णय लेने के लिए बहुत अच्छा ये योग माना जाता है। आज विष्टि नाम का करण है आज के दिन, और इसे भद्रा भी कहा जाता है। किसी भी महत्वपूर्ण कार्य के प्रदर्शन के लिए इसे बहुत ही अशुभ माना जाता है, यानी कि ऐसा कोई भी कार्य जिससे हमें चिरकाल तक लाभ लेना हो वह इस दिन इस करण में नहीं करना चाहिए। बात करते हैं आज के अभिजीत मुहूर्त की। मित्रों, आज जो अभिजीत मुहूर्त है वह दोपहर 12:07 से 12:59 तक रहने वाला है। और जैसे कि आपको पता है कि ऐसा कोई भी कार्य जिससे हमें चिरकाल तक लंबे समय तक लाभ लेना हो वह अभिजीत मुहूर्त के अंदर करना चाहिए, और राहु काल को सदैव अच्छे कार्यों के लिए त्याग करना चाहिए। दिशाशूल की बात करें तो आज दिशाशूल रहेगी पूर्व दिशा की तरफ। अब मैं आपको बताता हूँ मित्रों कि दिशाशूल से बचने के लिए आपको क्या उपाय करना है, मतलब जिन लोगों को पूर्व दिशा में ही आज यात्रा करनी है उन लोगों को कुछ उपाय करके अपने घर से यात्रा को प्रारंभ करना है। जैसे कि शनिवार के दिन जब दिशा शुरू होती है तो पूर्व दिशा में नहीं जाना चाहिए, और शनिवार के दिन उपाय के तौर पर अदरक या फिर उड़द की दाल को खा करके अपनी यात्रा को आरंभ करना चाहिए, तब आपकी जो यात्रा है वह सफल हो। अब बात करते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग के बारे में। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हर एक राशि के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए एक विशेष दिन के अनुसार एक दिव्य महाप्रयोग हम लेकर के आते हैं हर वीडियो में, जो कि हर एक राशि के व्यक्ति को करना बहुत उत्तम माना जाता है, बहुत अच्छा फल करता है। अब बात करते हैं शनि एकादशी की। शनिवार का दिन है, श्री शनिदेव महाराज का दिन है, और जैसे कि शनि का वक्री काल भी चल रहा है, लगभग कई राशि के लोग इस वक्री काल में शनि की अवस्था से पीड़ित भी होंगे, और शनिवार के दिन ही एकादशी तिथि का पड़ना, शनि एकादशी, बहुत शुभ संयोग बनता है। यहाँ दिव्य प्रयोग की बात करें तो इसमें शनि की पीड़ा को दूर करने के लिए भी, नवग्रहों की शांति के लिए और अपने मानसिक तनाव को कम करने के लिए, हर एक प्रकार के लाभ के लिए आज आपको ये दिव्य प्रयोग करना चाहिए। शनिवार को
इसी एकादशी के दिन आपको, यानी आज के दिन, हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी महाराज की सबसे पहले पूजा अर्चना करनी चाहिए, जो भी आपसे हो सकता है। जैसे ओम हम हनुमते नमः बीज मंत्र का जाप करें 7 बार, 21 बार, 108 बार। उन्हें सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाना चाहिए, जैसे कि बोलते हैं हनुमान जी को चोला चढ़ाना, और पैरों से लेकर सिर तक उसका पेस्ट बना करके चमेली के तेल में सिंदूर मिक्स करके उसका लेप करना चाहिए। लाल गुलाब के पुष्प, माला, प्रसाद, पान आदि हनुमान जी महाराज को आज के दिन विशेष अर्पित करना बहुत लाभकारी माना जाता है। धूप बत्ती, देसी घी का दीपक उनके सामने जलाना चाहिए और अपनी जो भी मनोकामना है वह हनुमान जी महाराज को कह देनी चाहिए। यह दिव्य महाप्रयोग आज शनिवार के एकादशी के दिन करना बहुत उत्तम फल देगा सभी राशि के जातकों को। मित्रों, बात करते हैं आज के दैनिक राशिफल की। मेष राशि से प्रारंभ करते हैं। आज जैसे कि हमने आपको बताया, चंद्रमा जो है बुध के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा मेष राशि वालों के लिए आज अष्टम भाव में रहने वाले हैं। अष्टम भाव में चंद्रमा शुभ नहीं माने जाते, ऐसे में आपको अपने स्वास्थ्य का भी, अपने खर्चों का भी, शारीरिक गतिविधियों का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि धन भाव को अष्टम में पड़े हुए चंद्रमा सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं। धन संचय के लिए आप काफ़ी मेहनत करते हुए दिखाई देंगे, परंतु कहीं ना कहीं धन खर्च के योग आज के दिन बनते हुए नजर आ रहे हैं। दशम भाव से जो चंद्रमा की स्थिति है वह दशम भाव में ही विराजमान है, तो चंद्रमा की इस स्थिति के कारण व्यापार में, नौकरी में अच्छे योग दिखाई देते हैं, कार्य आपका प्रोग्रेस पर रहेगा। सप्तम भाव से अष्टम भाव में चंद्रमा है तो विवाह और दाम्पत्य जीवन के लिए कोई बड़ी समस्या नहीं दिखाई दे रही। बाकी प्रेम भाव के लिए आज का समय, आज का दिन थोड़ा सा अनुकूल नहीं कहा जा सकता, इसलिए अपनी मन, बुद्धि और वाणी पर आपको नियंत्रण करके ही चलना है। बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए आज चंद्रमा आपके सप्तम स्थान पर रहने वाले हैं। बुध के नक्षत्र में, इनके नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं, बुध आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे। चंद्रमा और बुध की स्थिति आपको परिवार का सुख दिलाती है। आज के परिवार के दिन आपके खुशहाली का माहौल दिखाई देता है। बुध की जो दृष्टि आपके कार्य भाव पर है, जिस कारण से आज के दिन नौकरी में सफलता के योग मिलते हैं और अच्छे कार्य को आप बुध महाराज यहाँ दिखाते हैं। बुध क्योंकि वाणी के भी प्रतीक होते हैं, आज के दिन आज अपनी वाणी को आप संयमित रखें और सबसे मृदुभाषी यानी कि अच्छा बोलने का प्रयास करें, आज का दिन आपका बहुत शुभ जाएगा। चंद्रमा सप्तम भाव में लगन को देख रहे हैं, शारीरिक गतिविधियां ठीक हैं। कार्यक्षेत्र की बात करें तो कार्यक्षेत्र के लिए चंद्रमा आपके दशम भाव से दशम भाव में स्थित हैं और चंद्रमा की जो स्थिति है यह आपके काम को, आपके नौकरी को, आपके व्यापार को बढ़ा देती है। इसमें राज्य से राज्य भाव का जैसे मिलन होता है, जब राज्य से राज्य भाव में दशम भाव में जाते हैं तो इंसान कार्य में प्रगति करता है, कार्य के लिए मेहनत करता है, ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं। लाभ स्थान से चंद्रमा की जो स्थिति है वह आपके नवम भाव पर विद्यमान है, यानी कि कार्य के लिए आपको और दाम्पत्य जीवन के लिए भी भाग्य का सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देता है। मित्रों के सहयोग भी यहाँ दिखाई देते हैं, परंतु कुटुंब के लिए क्या है कि कुटुंब परिवार में किसी बात को लेकर कलह हो सकता है, क्योंकि कुटुंब से चतुर्थ स्थान में चंद्रमा की स्थिति है। माता का स्वास्थ्य भी आपको ध्यान रखना है। मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि के लिए जो चंद्रमा है वह आपके छठे भाव में संचरण कर रहे हैं। आज किसी बात को लेकर के मानसिक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और चंद्रमा जिसके नक्षत्र है बुध वह तीसरे घर में विद्यमान है, भाग्य को देख रहे हैं। बुध की स्थिति से आपको भाग्य का सहयोग आज के दिन मिलता है, भाग्य की सपोर्ट आज के दिन आपको प्राप्त होती है। और साथ ही क्योंकि मंगल, शुक्र और बुध, बुध जो है इन दो ग्रहों के साथ में मंगल एंटी माने जाते हैं बुध के लिए, तो भाई बहनों से थोड़ा सा आपको बातचीत बहुत नर्मता के साथ में करनी है और काफ़ी अनुकूल व्यवहार आपको करके चलना है आज के दिन। कार्यक्षेत्र से देखें तो कार्यक्षेत्र से आपके जो है नवम भाव में चंद्रमा की स्थिति बनी हुई है और लाभ स्थान से अष्टम भाव पर। अब लाभ स्थान से अष्टम में जाने का मतलब है कि आज मिलता हुए लाभ में कुछ कमी आ सकती है, परंतु कार्यक्षेत्र में प्रोग्रेस दिखाई देती है। आज अपनी नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, व्यवसाय के लिए जो भी कार्य आप करें वह काफ़ी प्रॉफिटेबल सिद्ध हो सकते हैं। दाम्पत्य जीवन के लिए, दाम्पत्य जीवन से 12वें घर में चंद्रमा की स्थिति है, थोड़ा सा एक दूसरे में, एक दूसरे को समझने का प्रयास आज के दिन आपको करना है। प्रेम भाव से द्वितीय स्थान में, बाकी प्रेम संबंधों में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं दिखाई देती।
कर्क राशि की बात करें तो चंद्रमा पंचम भाव पर विद्यमान रहने वाले हैं। बुध आपके धन भाव पर हैं क्योंकि उनके नक्षत्र पर चंद्रमा संचरण कर रहे हैं। बुध की स्थिति आपके वाणी को भी काफ़ी मृदुभाषी बनाती है, तर्कशील व्यक्ति बनाती है। आज के दिन आज आप किसी बात को लेकर के अपना मन का जो बड़ा सा वह निकाल सकते हैं। जिस भी व्यक्ति के प्रति आज आपको क्रोध आ रहा है या कोई बात आपको परेशान कर रही है, हालांकि व्यक्ति आपके परिवार का कुटुंब का दिखाई देता है क्योंकि कुटुंब के भाव में बुध की स्थिति बनी हुई है। चंद्रमा पंचम भाव में संचरण कर रहे हैं, लाभ स्थान को देख रहे हैं, कार्यक्षेत्र के लिए कोई बड़ी समस्या ज़्यादा नहीं दिखाई देती। लाभ स्थान को देखने के कारण से आज के दिन आप कम भी प्रयास करेंगे तब भी आपको बेनिफिट मिल ही जाएंगे कहीं ना कहीं से। बात करते हैं सिंह राशि वालों की, तो सिंह राशि के लिए चंद्रमा आपके चतुर्थ स्थान में संचरण कर रहे हैं और चतुर्थ भाव में पारिवारिक कलह को चंद्रमा थोड़ा सा दिखाते हैं, मन अशांत रहता है। चंद्रमा क्योंकि राज्य भाव से सप्तम भाव में है तो इसलिए आप अपने पार्टनरशिप के लिए, अपने काम के लिए आज पूरा प्रयास करेंगे, प्रयासों में सफलता भी काफ़ी आपको हासिल होगी। परंतु आपके बात करें प्रेम प्यार के लिए, चंद्रमा बारहवें भाव में पंचम भाव से विद्यमान गोचर कर रहे हैं तो इसलिए प्रेम आदि विषयों पर कुछ समस्या आज के दिन दिखाई देती है। बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य के लिए भी आप आज के दिन आपको ध्यान रखना है। जिसके नक्षत्र पर चंद्रमा संचरण कर रहे हैं, बुध वे आपकी राशि पर है तो ये व्यापारिक दृष्टिकोण से व्यापारियों को आज के दिन धन लाभ के योग दिखाई देते हैं। बाकी मंगल के साथ में है तो थोड़ा सा आपको अपनी वाणी को स्थिर रह करके चलना है। इसके बाद में बात करते हैं कन्या राशि की, तो कन्या राशि के लिए चंद्रमा आपके पराक्रम भाव में विद्यमान रहने वाले हैं। मेहनत और भाग्य के दोनों का सपोर्ट आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। आपके कार्यक्षेत्र के लिए आज कोई बड़ी समस्या नहीं दिखाई देती, कार्यक्षेत्र के भी लाभ दिखाई देते हैं और दाम्पत्य जीवन के लिए आपके भाग्य की सपोर्ट दाम्पत्य जीवन के लिए भी आपको लगती है तो इसीलिए दाम्पत्य जीवन में कोई बड़ी समस्या नहीं दिखाई देती। बात करते हैं रिपो ऋण लोन इत्यादि चीज़ों में तो उसमें भी बेनिफिट दिखाई देता है। यदि कहीं पैसा उधार ले रखा है तो उसमें आपका पैसा वापसी आ सकता है। कन्या राशि वालों के लिए विशेष रूप से दिन आज का अच्छा रहने वाला है। तुला राशि की बात करें तो तुला राशि के धन भाव में चंद्रमा संचरण कर रहे हैं, आपके अष्टम भाव को देख रहे हैं। कोई पुरानी घटना याद आ सकती है, कहीं पुराने विषयों पर आज सफलता मिल सकती है, कहीं पुराने डिले कार्य जो आपने पहले बहुत टाइम से छोड़ रखे आज के दिन उसको पूरा कर लीजिए। आज के दिन वे कार्य करना बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। कार्य भाव से चतुर्थ भाव में चंद्रमा संचरण कर रहे हैं, धन भाव में गोचर कर रहे हैं, यानी कि धन कमाने के लिए आज अथक प्रयास आपको करने पड़ेंगे, अपनी बौद्धिक क्षमता का विकास करना पड़ेगा। बुध की स्थिति लाभ स्थान में इसीलिए ज़्यादा बड़ी समस्या की बात नहीं है, किसी न किसी रास्ते से आप अपना कार्य आज सफल कर ही लेंगे। वृश्चिक राशि की बात करें तो चंद्रमा आपकी राशि पर संचरण कर रहे हैं, जिसके नक्षत्र पर संचरण कर रहे हैं बुध वह कार्यक्षेत्र के लिए है, बहुत अच्छा योग बनता है। दशम भाव मुख्य रूप से नौकरी व्यापार व्यवसाय का भाव होता है, बुध वहाँ पर मुख्य रूप से योग कारक होते हैं। मंगल शुक्र के साथ में आपको थोड़ा सा वाणी पर, अपने अहंकार पर, अपने क्रोध पर नियंत्रण रख करके चलना है क्योंकि जिसके साथ में बुध बैठते हैं उसी के जैसा व्यवहार करने लग जाते हैं। वृश्चिक में मुख्य रूप से वृश्चिक लग्न वालों के लिए बुध शुभ फल कारक नहीं माने जाते, परंतु मंगल के साथ में आने से और सिंह राशि पर आने से व्यक्ति का आज के दिन थोड़ा क्रोध और गुस्सा बढ़ा हुआ रह जाता है। शुक्र और बुध की युति धनलक्ष्मी योग का निर्माण करती है तो आज कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं से धनागमन हो सकता है। बाकी आज दाम्पत्य जीवन के लिए कुछ कठिनाइयां दिखाई देती हैं, स्वास्थ्य के लिए सब कुछ ठीक रहने वाला है, कोई बड़ी समस्या नहीं दिखाई देती। बात करें धनुराशि वाले जातकों की तो धनुराशि वालों के लिए चंद्रमा आपके बारह भाव में विद्यमान है, स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है, माता का स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। मन आज का बड़ा ही चंचल रहेगा, बहुत भार भी जाने की यात्रा के योग बनते हैं आज पर भार जाएं तो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। कार्यक्षेत्र के लिए जॉब नौकरी व्यवसाय वालों के लिए कोई बड़ी समस्या नहीं दिखाई देती, चंद्रमा तृतीय भाव में है, आज मेहनत का फल आपको मिलता हुआ दिखाई देता है, पुराने रुके हुए कार्य आज के दिन सफल होंगे। मकर राशि वालों की बात करते हैं, मकर राशि वालों के लिए आज चंद्रमा लाभ स्थान में संचरण कर रहे हैं और चंद्रमा की स्थिति आपको लाभ योग प्रदान कराती है। कार्यक्षेत्र से धन भाव के अंदर चंद्रमा की स्थिति कार्य को धन का सपोर्ट लगवाती है और धन से आज अपने किसी कार्य को सफल कर सकते हैं। बाकी बात करें तो आज कोई गुप्त वस्तु या ऐसी कोई वस्तु जिसको आपको बहुत समय से इच्छा थी उसको पाने के लिए आप प्रयास कर सकते हैं और इसके अलावा कुटुंब परिवार के लिए थोड़ी सी दिक्कतें दिखाई देती हैं। सुख के लिए आज सुख की कमी मिल सकती है ऐसा दिखाई देता है। कुंभ राशि की बात करें तो आज चंद्रमा जो है आपके कार्य क्षेत्र में संचरण कर रहे हैं वृश्चिक राशि के ऊपर और बुध की स्थिति वह सप्तम भाव पर बनी हुई है। गुरु शुक्र लक्ष्मी योग का निर्माण करते दाम्पत्य जीवन के लिए
थोड़ी सी कठिनाई महसूस होती है क्योंकि दाम्पत्य जीवन के भाव के जो स्वामी हैं वह सूर्य षष्ठम भाव में, परंतु शुक्र सप्तम भाव के अंदर कई बार समस्याओं में सफलता दिलवा देते हैं। यानी कि ऐसी अवस्था में जब दो व्यक्ति आपस में लड़ रहे हों या किसी बात के बारे में बाद ही बात करें तो आपको शांत हो जाना चाहिए, आपके पार्टनर ऑटोमेटिकली शांत हो जाएंगे। इसके बाद में दशम भाव यानी कि राज्य भाव के लिए नौकरी करने के लिए आज लाभ के योग दिखाई देते हैं। आज बुध की स्थिति भी आपके फेवर में है, कुटुंब परिवार की स्थिति भी आपके फेवर में हो सकती है। और बात करते हैं आपके भाई बहनों से संबंध थोड़े से विच्छेद होते हुए दिखाई देते हैं आज के दिन, परंतु बाकी धन लाभ के योग आपके बने हुए हैं। इसके बाद मीन राशि की बात करें तो मीन राशि के लिए चंद्रमा जो है आज भाग्य के घर में संचरण कर रहे हैं और बुध मंगल शुक्र की युति बनाकर छठे भाव में रहने वाले हैं। गुप्त शत्रुओं से आपको सावधान रहना है। चंद्रमा की स्थिति भाग्य वृद्धि का योग दिखाती है और चंद्रमा दशम भाव से भाग्य स्थान में है, यानी दशम भाव से बारहवें भाव में है। इसका मतलब है कि व्यापार के लिए आज करियर के लिए आपको अथक मेहनत करनी है, ज़्यादा मेहनत करनी है। बाकी धन लाभ आपका मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है, जितनी आप मेहनत करेंगे उस हिसाब से आपको धन लाभ मिल जाएगा। कुटुंब परिवार वाण इत्यादि के लिए सप्तम भाव से तीसरे घर में है, तो यानी कि प्रयास करने से आपके बीच में जो परेशानी है, जो समस्याएं चल रही हैं वह भी कई हद तक आज दूर हो सकती है। बाकी मानसिक स्ट्रेस आपको आज के दिन कम लेना है। तो मित्रों मैं आशा करता हूँ कि आज के राशिफल आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक शेयर करना नहीं भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ओम श्री विद्याय नमः।